अच्छा अब ना मैं आपको बताता हूँ कि ना मॉडल को हम कैसे लोड करते हैं, मतलब जो हमारे पास ये मॉडल पड़ा है ना, करेक्टर मॉडल या प्लेट मॉडल या प्योर मॉडल जो हम बनाते हैं, वो हम कैसे लोड करते हैं और उसमें से कैसे प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, वही मेन डॉट पी वाई में फाइल में जूड हो। ठीक है, इस वाली फाइल में जूड हो। ठीक है, अब मैं अपना क्या कहते हैं, मैंने वो जो अभी मैंने जिस पे पहले आपको जुपिटर नोटबुक खोल कर आपको वो सारा बताया था ना, वही कॉपी करके ना मैं इधर ले आया हूँ, इधर पड़ी है वो। ठीक है, मैंने इधर इसको लोड कर लिया, ये देखो ये एक्सप्लेन कोड, ये वही ठीक है अपना क्या कहते हैं, मैंने लोड ओपन किया। अब मैं आपको बताता हूँ जो एक वे है ना उसको ओपन करने का, मॉडल को लोड करने का, वो है ये क्रास की लाइब्रेरी से, फ्रॉम क्रास डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट लोड मॉडल। ये लोड मॉडल क्या करता है, हमारी मदद हेल्प करता है कि ना हम इसको मॉडल को लोड कर सकें। ठीक है, इसको आपने शेल को रन करना है। ठीक है, अच्छा ये फिर आपने लोड मॉडल में इस तरह से इसकी जिस लोकेशन का मॉडल पड़ा है ना, आपने उसकी लोकेशन पास करनी है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये मेरे फोल्डर में जिधर ये फाइल ओपन हुई हुई है, ये वाली देखो स्क्रीन कोड डॉट आई पी एन, ये आई पी एन वाई एन बी, ये जुपिटर नोटबुक की ना एक्सटेंशन होती है। ये देखो इसके अंदर पड़ा है कार मॉडल 1 अंडरस्कोर 2। ठीक है, मैंने इसको यही लोकेशन देकर ना इसे ओपन करवाना है। ठीक है, अच्छा अब अपना क्या कहते हैं, इसको आप जैसे ही रन करोगे ना, तो ये कोई उसको लोडिंग में टाइम देगा, ये डिपेंड करता है कि ना मॉडल अपना क्या कहते हैं कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से उसमें वेट्स कितने हैं। ठीक है, वेट्स होते हैं मॉडल, तो खैर ज्यादा जितना बड़ा मॉडल होगा ना उतने बड़े वेट्स होंगे। वेट्स से मुराद वो चीजें हैं जो उसने सीखी हैं अपने डाटा से। ठीक है, एआई में की टर्म में उसको हम वेट्स कहते हैं। ठीक है, वो चीजें हैं जो उसने सीखी हैं। अभी उसको अपना क्या कहते हैं लोड करके ना, जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब हमने अपनी अपना उसकी समरी चेक करनी होगी, तो हम इसको मॉडल डॉट समरी के थ्रू उसकी समरी चेक कर सकते हैं। हम इसको जैसे ये लोड होने के बाद, इसके अब ये लोड हो गया, देखो अब जैसे आप इसकी मॉडल डॉट समरी एंटर शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे ना, ये देखो ये पूरी मॉडल की समरी है। ठीक है, जो आप मुझे कह रहे थे, सबसे पहले इनपुट लेयर है। ठीक है, इनपुट लेयर वो बताती है कि आपने इसको इनपुट जो देनी है ना उसकी शेप क्या है, वो सारी वो इनपुट लेयर में सबसे पहले होगी। फिर कन्वोल्यूशन लेयर है, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर्स हैं, ये छोटी छोटी इनकी अपना क्या कहते हैं डेफिनेशन है। ये आपको कहीं भी इंटरनेट पे गूगल फड़ा पड़ा है, ये कन्वोल्यूशन पे बैच नॉर्मलाइजेशन पे। अच्छा, फिर है ये लीकी लेयर, ये है एक्टिवेशन लेयर। एक्टिवेशन लेयर्स कहते हैं कि ना वो काफी सारे उसके एल्गोरिथम्स हैं, सॉफ्ट मैक्स भी है, सिंपल रेलू भी है, लीकी रेलू भी है, टैन एच भी है, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन भी है। एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली करता ये है कि जो लेयर मतलब आउटपुट प्रिडिक्ट करेगी ना, मतलब जिस लेयर से पहले, अब ये देखो ये इन दो लेयर्स के बाद है ना, पहले ये कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करेगी, फिर ये कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट करेगी, वो पास करेगी इसको, ये फिर उसको एडिट करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने से मुराद थोड़ा करेक्ट करेगा, और करेक्ट करेगा जो इसने गलतियां यहाँ की होंगी ना, तो ये इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब आप ये देखो, ये देख रहे हो, ये बता रहा है कनेक्टेड टू। ठीक है, अब ये बता रहा है जी ये जो ये लेयर है ना, ये input 1 मतलब इस लेयर से कनेक्टेड है। फिर ये जो ये count 0, ये देखो ये count 0 खड़ी, इससे कनेक्टेड है। ये leaky 0 batch norm से कनेक्टेड है, ये देखो ये खड़ी। अब इसकी आउटपुट इसके अंदर जाएगी, फिर इसकी आउटपुट इसके अंदर जाएगी, इसी तरह वो कंटिन्यूसली एंड तक आउटपुट जाती रहेगी, और वो प्रेडिक्शन अल्टीमेटली प्रेडिक्ट करने में हेल्प देगी। सारे लेयर्स में यही है, कन्वोल्यूशन है, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन है, फिर लीकी एक्टिवेशन फंक्शन है, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, और एक पैडिंग है। पैडिंग हमारे ये काम आती है, इसके ना टर्म में पैडिंग कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा है
10 लेंथ का, ठीक है, लेकिन आपका जो मॉडल है ना वो इनपुट लेता है 15 लेंथ का, आपने उसकी पैडिंग करनी है, ठीक है, उसको 10 वाली लेंथ की एरे को 15 लेंथ की एरे बनानी है, समझ लगी है बात। वो आप कैसे करोगे, आप जीरो ऐड कर दो, सही है, आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एरे है 3 लेंथ की, जिसमें एक पहले इंडेक्स में 3 पड़ा है, फिर 4 पड़ा है, फिर 5 पड़ा है, लेकिन आपको चाहिए 6 लेंथ की एरे मॉडल को इनपुट देने के लिए, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 3 पड़ा है, 4 पड़ा है, 5 पड़ा है, आपके पास 3 लेंथ की तो है लेकिन आपको चाहिए 5, आप क्या करो वो 4 के बाद जो अगली 2 एरे लेंथ आपकी बच रही है ना उधर 0 0 ऐड कर दो, ठीक है, तो वो कहलाती है पैडिंग, जीरो पैडिंग। हमने अपनी लेंथ के मुताबिक आउटपुट लेने के लिए हमने जीरो पैडिंग कर दी है, ठीक है, वो फिर अब अगली कॉन्वोल्यूशन में जाएगी, फिर वो बैच नॉर्मलाइजेशन में जाएगी, फिर वो एक्टिवेशन फंक्शन लिखे रेलू में जाएगी, इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी, वो पूरा मॉडल उसकी प्रिडिक्शन करता रहेगा, ठीक है। एंड में वो जब अपना खत्म होगा ना वो एक हमें फाइनल प्रिडिक्शन दे देगा, ठीक है, ये सारा मॉडल हमारी इनपुट के लिहाज से वो चलेगा। अब ये जो मॉडल है ना ये बेसिकली है YOLO वर्जन 3 का मॉडल, ठीक है, YOLO कहते हैं यू ओनली लुक्स वंस, ठीक है। ये क्या करता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है ना उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, फिर उनको कलेक्ट करता है, उनके दरमियान बाउंडिंग बॉक्सेस बनाता है, और उनका जो लेबल है ना, लेबल से मुराद जो उनकी क्लास जिससे वो बिलोंग करते हैं, कि जी ये प्लेट है कि नहीं है, ये मेल है कि नहीं है, ये फीमेल है कि नहीं है, उस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए और भी काफी सारे एल्गोरिथम्स और आर्किटेक्चर्स हैं पड़े, मतलब रेस्टनेट है पड़ा, ये YOLO वर्जन 1 है पड़ा, YOLO वर्जन 2 है पड़ा, YOLO वर्जन 3 है। अब हमारे YOLO वर्जन 3 के यूज करने के का मकसद ये है कि ये ना बाकी YOLO वर्जन से फास्ट है और कन्वीनियंट है, मतलब ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस देता है उन दोनों मॉडल से, ठीक है। इसमें काफी सारी चेंजिंग की गई थी, ये सबसे लेटेस्ट है, इससे अभी तक और कोई YOLO वर्जन नहीं आया अभी तक, ठीक है। अच्छा अपना क्या कहते हैं, और जो रेस्टनेट है ना वो उसमें थोड़ा बहुत ये इशू है कि वो पाई टॉर्च पे एक ये टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा पाई टॉर्च पे हुई है, टेंसरफ्लो पे भी हुई है, बिल्कुल हुई हुई है, लेकिन वो जो हमें मॉडल देता है ना उसकी एक्सटेंशन होती है दूसरी, हम उसको इस तरह से ना फ्रेंडली वे से समझ नहीं सकते और चला नहीं सकते, ठीक है। अब ये जो .h5 है ना इसको चलाना हमारे लिए आसान काम है, और वो जो मॉडल होता है ना वो उसकी कोई एक्सटेंशन और है, और उसको चलाना हमारे पास थोड़ा एक बिट डिफिकल्ट, और उसको समझना ना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो ना इस तरह आपकी ये मॉडल की समरी भी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ना ये मॉडल को ना इनपुट दे के दिखाता हूँ। अब जो ये मॉडल है ना ये लेता है इनपुट 416x416 की इनपुट, ठीक है। आप मतलब ये आप डिसाइड करते होते हो मॉडल बनाते वक्त, आप शुरू शुरू में कोई भी मॉडल की शेप बना सकते हो, मतलब अगर आपकी इमेज आएगी ना, हम कहते हैं ना यार शेप से मुराद टोटली उसकी रेजोल्यूशन है इमेज की, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यार ये 1080x980 की रेजोल्यूशन की पिक्चर है, ठीक है, उसी तरह 720x720 की है, तो उसी तरह हमने इस मॉडल को कहा है कि आपने 416x416 की इनपुट लेनी है, ये फिक्स बात होती है। अगर आप इसको कोई और शेप की इमेज इनपुट देने लगोगे ना तो ये एरर देगा, ये कहेगा कि आपने मुझे कहा है कि 416 की लो और आप मुझे किसी और शेप की ले रहे हो, ठीक है, किसी और शेप की इमेज इनपुट दे रहे हो। तो जब भी आप इनपुट लोगे ना किसी भी इमेज की, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट करोगे 416x416, वो एक सिंपल कोड है ओपन सीवी में रीसाइज का, आप इमेज दोगे, ठीक है, और जो शेप जिस शेप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो आप उसको टपल में ना इस तरह से जिसमें मतलब कोमे में ये हाइट और विड्थ में, हाइट कोमा विड्थ में आप उसको इमेज को इनपुट दे सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये एक इमेज है जिसको मैंने रीड किया है, ठीक है। अब अपना क्या कहते हैं, ये इमेज डॉट शेप करोगे ना तो ये सबसे पहले आपको हाइट देगा, विड्थ देगा,
और तीसरी चीज तो दिखेगा ना कि मैंने इसका अंडरस्कोर वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, वो आपको देगा चैनल्स, ठीक है। चैनल्स आपको ये बताएंगे कि ये किसमें है। अगर तीन चैनल्स होगा तो उसका मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू में है। अगर दो चैनल्स होंगे तो उसका मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट में। अगर सिर्फ एक चैनल होगा, मतलब अगर ये इसके अंदर इनपुट आती है वन या टू या थ्री, वन आएगी तो उसका मतलब इसमें कोई एक कलर यूज होगा, या तो ब्लैक हुआ हुआ है या व्हाइट हुआ हुआ है या कोई और कलर यूज होगा, ठीक है। अगर कोई और कलर होगा, मतलब उसकी शेप तीन होगी, तो उसका मतलब है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू आर जी बी का मिक्सचर से हुआ। जरूरी नहीं है सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू हो, रेड ग्रीन आर जी बी का मतलब होता है उसके कम्बिनेशन, ठीक है। आप रेड ग्रीन ब्लू के कम्बिनेशन से तो आप जो मर्जी इमेज बना लो, ठीक है। उस रेड ग्रीन ब्लू टोटल, मतलब अगर आप उसके कम्बिनेशन बनाओ तो वो काफी सारे तकरीबन तमाम कलर्स ही कवर कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद मैंने अपना रिसाइज करने के बाद इसके कलर्स को कन्वर्ट किया, ठीक है, सीवी टू कलर बीजीआर टू आरजीबी। जब हमारा ओपन सीवी इमेज को रीड करता है ना, तो वो कलर रखता है ब्लू, ग्रीन, रेड, इस फॉर्मेट में कलर रखता है। हमें जिस फॉर्मेट में कलर चाहिए वो चाहिए रेड, ग्रीन, ब्लू, क्योंकि हमने सिखाते वक्त इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट किया रेड, ग्रीन, ब्लू पे। अच्छा, अब ये कर रहा है कि इमेज की जो इनपुट आई है ना, उसमें है जी 0 से लेकर 255 तक नंबर पड़े हैं। वो मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया भी था, वो आपको बता रहा था एरेज में ना। तो हमने सबसे पहले उसको फ्लोर 32 में कन्वर्ट किया, ठीक है। इस तरह आप किसी भी एरे को ना, नंपाई एरे को एस टाइप करके उसको अगर आप यहाँ इंट 32 कर दोगे तो वो इंट में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोर 32 करके तो फ्लोर 32 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय 255 का मतलब है कि हमारे पास जो रेंज है ना रेड, ग्रीन, ब्लू की, वो पड़ी है 0 से लेकर 255 के दरमियान। हमने जब मॉडल को इनपुट देना ना, तो हमने नॉर्मलाइज डाटा देना, ठीक है। इतने बड़े नंबर जब हम किसी एआई मॉडल को देते हैं ना, तो उतना ही बड़ा उसके लिए कंफ्यूजन होता है। कर तो वो ये भी देगा इस नंबर को, अगर हम 255 ही डायरेक्ट नंबर उसको दे दें तो करेगा वो भी, लेकिन उस पर उसको एक ट्रेनिंग पे मसला आएगा और एक प्रिडिक्शन में मसला आएगा, उसको अपना मुश्किल आएंगे प्रिडिक्शन और ट्रेनिंग करते हुए। अगर हम उसको डाटे को नॉर्मलाइज कर देंगे ना, नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 1 की रेंज में लेकर आ देंगे, तो उसको वो अपना क्या कहते हैं सही फॉर्मेट में लेकर आ जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम 255 पड़ा ना, हमने इसको सारा 255 पे तकसीम कर दिया, ठीक है। अब ये पूरी एरे में डिवाइड कर देगा 255, ये एक नंबर नहीं तकसीम हुआ, ये बात याद रखना, ये पूरी पूरी एरे करेक्ट हुई है, ठीक है। इमेज का ना, खैर मैं आपको ना दूसरे शेयर में करके बता दूँ, ये देखो ये मैं अलग से इमेज वेट करता हूँ और ये इमेज आप ये देखो, अब ये इमेज प्रिंट हुई है ना, अब आप देख रहे हो इसमें 218 और 213। अब जो नंपाई एरे होती है ना, आप उसको जब डिवाइड करते हो ना किसी भी नंबर से, तो वो पूरी एरे से डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये देखो, अब मैं इमेज, ये देखो, अब ये जो हमारे पास ये पूरी एक अगली रेंज आ रही थी, अब उसने 0 से 1 तक की रेंज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यही काम हमने यहाँ किया, ये देखो ये काम किया, ठीक है, सेम काम किया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ, समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं आपको ना ये इमेज डॉट शेप पे प्रिंट कर दूंगा, ये रीड तो कर लिया वो इमेज में पड़ा, ये डॉट शेप। अब देखो वो ये बता रहा है कि जी आपने जो इमेज दिया उसकी शेप है 177 बाय 173 बाय 3। अब ये 3 तो हो गए चैनल्स के, ये रेड, ग्रीन और ब्लू है। अब ये जो पहला नंबर है ये बता रहा है हाइट, और ये दूसरा नंबर है ये बता रहा है विड्थ, ठीक हो गया। तो इस तरह से ना ये इनपुट हमारे पास आ रही है, सही हो गया। अच्छा, अब ये तो मैंने वो वाली इमेज है जो मैंने ऑलरेडी मॉडल से ना डिटेक्ट करके दी थी, अब वो मॉडल ने डायरेक्टली हमें इस तरह की शेप में दे दी है। लेकिन अपनी क्या कहते हैं, जब आप किसी कैमरे से इनपुट दोगे ना, मतलब आपने कैमरे से क्लिक की हुई है पिक्चर आपने दे रही है, दे रहे हो, तो उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
जो मर्जी हो, 416x416 भी हो सकती है, 1080 भी हो सकती है, 720x720 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आपने उसको रिसाइज करना है मॉडल को देने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपैंड डिम्स क्या होता है? एक्सपैंड डिम्स नंबाई में एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये काम ये काम करता है कि जी हमारे पास जो एरे होती है ना, उसकी जो डायमेंशन होती है, डिम से मुराद डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन से मुराद शेप, ठीक है। अब जैसे एक ये शेप है ना 371x173x3, ठीक है, अब ये शेप है, ये डायमेंशन है एक किस्म की ना, हमने इसको एक्सपैंड डिम से मुराद कि यहाँ पर एक और इंडेक्स डाल दो। अब उसका इसका मकसद ये है कि जो कन्वोल्यूशन 2D होता है ना, टू डायमेंशनल, वो हमें चार शेप की ना इनपुट लेता है। सबसे पहले शेप में होता है ये देखो, ये अपना ये देखो, ये कन्वोल्यूशन लेयर है, मिसाल के तौर पे कोई भी लेयर है, कोई भी कन्वोल्यूशन है, वो हमेशा अपना चार नंबर लेगा इनपुट, ठीक है, 0, 1, 2 और ये 3, ये तीन नंबर्स लेंगे। जो पहला होगा वो बताएगा बैच साइज, कितना लेंथ की एरे आ रही है, वो 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, ठीक है। जो अगला नंबर होगा वो ये अगला ये 416 होगा, और उससे अगला होगा ये फिर उसकी जो अगली शेप है, और जो लास्ट वाला होगा वो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पास नंबर मौजूद है, डाटा है, तो आप दे दो, लेकिन अगर पास नहीं है तो आप बेशक नन पास कर सकते हो, कुछ भी पास कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप नन भी पास कर सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास जरूरी होता है हमने कन्वोल्यूशन को इस तरह की इनपुट देनी है, तो हम वो उसको टू डायमेंशनल को नन पास कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसकी एक्सपेंडिम्स करके इधर एक और जीरो पर उसकी शेप डाल देगा, ठीक है। अब जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो ये सेव हो गया। अच्छा, अब एक इसका भी काम इसको भी देखिए। अच्छा, अब प्रिडिक्शन के लिए ना मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज होता है। ये प्रिडिक्ट का फंक्शन जब हम मॉडल डॉट एच फाइव लोड करते हैं ना, ये खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। फिर आज मॉडल में ना, मतलब जो टेंसरफ्लो का मॉडल होता है उसमें प्रिडिक्ट का फंक्शन सेव होता है, ठीक है, मतलब प्रिडिक्शन के लिए। तो हमने जो मॉडल लोड किया था उसी में मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और जो हमने ये इमेज लोड किया और उसके अंदर हमने ये प्री प्रोसेसिंग की है, मतलब हमने उसके रिसाइज किए हैं, कलर कन्वर्ट्स किए हैं, उसको नॉर्मलाइज किया है, ठीक है, उसकी डायमेंशन को एक्सपेंड किया है, फिर करने के बाद हमने इमेज सेव कर दिया। हाँ, अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे ना, अब ये इमेज मॉडल में जाएगी पूरी की पूरी, अब वो प्रिडिक्शन करेगा, चेक करेगा कि मेरे पास क्या आउटपुट बन रही है, ठीक है। अब ये प्रिडिक्शन कर ली, अब हम ये जैसे ही प्रिडिक्शन रन करेंगे ना, तो ये देखो इसने हमें ये आउटपुट दिया। अब ये हमारे पास करेक्ट आउटपुट नहीं है, इसको हम करेक्ट करेंगे, सही करेंगे, किसके लिहाज से, हमें चाहिए हमारे लेबल भी चाहिए, हमारे अपना बॉक्सेस भी चाहिए कि वो इमेज में किस जगह पे पड़ा है, और तीसरी चीज़ हमें स्कोर चाहिए कि कितने परसेंट मॉडल को लग रहा है कि जी ये मेरे पास ये वाली शेप है, ठीक है। इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं इसी एरे से,